Good afternoon to all of you and welcome back to my lecture chemistry with Ashish Arora. Today we are going to continue with our topic. देखो हम लोग last time बात कर रहे थे alcohol phenol की preparation और alcohol phenol की preparation में हमने पहला part देख लिया. आज मैं आपको दूसरा part बताने वाला हूँ from carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड में से अल्कोहल फिनोल ईथर को हम कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या है, जरा समझ लेते हैं. नॉर्मली जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसके पास ये वाला ग्रुप रहता है जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं. ये ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं. अभी कार्बोनिल ग्रुप किस किस के पास होता है हम जरा समझ लेते हैं. यहाँ पे बेसिकली थ्री मेन ग्रुप्स है जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलने वाला है. अगर इस तरफ R जुड़ गया, जैसे कि यहाँ पे R है और दूसरी ओर H जुड़ गया, बीच में हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो था वो वैसे का वैसा ही रहता है जैसे कि यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O H, देन वी आर गोइंग टू कॉल देम एल्डिहाइड्स. देन हम उसको क्या बोलने वाले, एल्डिहाइड. अगर दूसरी बार हमारे पास यह जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके आजू बाजू अगर हम एक तरफ R जुड़ा दूसरी तरफ भी R जुड़ा R डैश, तो उसको हम बोलते हैं कीटोन. मैं दोनों के एक एग्जांपल भी दे देता हूँ. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे जुड़ा CH3 एंड हमारा ये वाला जो था C डबल बॉन्ड OH, देन वी कॉल इट इथेनॉल. उसको हम क्या बोलने वाले, इथेनॉल. सिमिलरली अगर हमारे कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू इस तरफ हमारे पास दोनों साइड पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है R और R डैश, वी कॉल इट एसीटोन या तो प्रोपेनॉन. एंड द थर्ड वन व्हिच वी डू हैव इस कि अगर आपके पास जो कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और उसके एक तरफ जुड़ता है R और दूसरी तरफ जुड़ता है OH, मतलब RCOOH, देन वी कॉल इट कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एन एग्जांपल CH3 C डबल OH CH3, ये कार्बोनिल ग्रुप हमारा आ गया एंड इस तरफ वापस जुड़ेगा OH, वी कॉल इट इथेनोइक एसिड या तो एसिटिक एसिड. हमारे पास नॉर्मली ये तीन ग्रुप के अभी हम बात कर रहा हूँ. वैसे आगे फर्दर हम देखने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के भी फ्यू डेरिवेटिव्स होते हैं जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, जैसे कि हम एस्टर्स होता है, एनहाइड्राइड्स होते हैं, अमाइड्स होते हैं एंड एसिड क्लोराइड्स होते हैं. बट उसके बारे में अभी मैं बात डिस्कशन नहीं कर रहा, बाद में डिटेल में देखने वाले हैं. पहले ये मेन हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें से हमें बनाना है अल्कोहल. ओके, तो अल्कोहल बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है. कोई भी आपके पास ये तीनों में से कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो तो मैं एक काम करता हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसको जरूर लिख लेना आपकी टेक्स्ट बुक के बाजू में. फिर मैं हमें करना क्या चाहिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है. मैं जरा अपनी जगह बनाने के लिए मैं इसको जरा इरेज कर लेता हूँ. और सिंपल सा चीज़ है, आपके पास जब कार्बोनिल ग्रुप है उसका रिडक्शन कीजिए. दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप. तो कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करना बहुत सिंपल सी चीज़ हो जाती है. कार्बोनिल ग्रुप आपके पास है उसको आप रिडक्शन कीजिए. रिडक्शन के लिए आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो. आप मेटल के साथ यानी कि पैलेडियम प्लेटिनम उसका कैटलाइज हाइड्रोजनेशन करो, H2 को ऐड करो या तो NaBH4 LiLH4 यूज करो. काफ़ी सारे रिडक्शन के तरीके हैं बट ये काफ़ी कॉमन तरीके हैं. रिडक्शन करने से होने वाला क्या है मालूम है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे CHOH करके एक अल्कोहल मिलता है. मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ये रहने वाला है, जब आप इसका रिडक्शन करते हो तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे H और यहाँ पे H ऐड होगा. मतलब ये है कि आपके पास ये था R, C और O का जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया और दोनों जगह पे एक एक H ऐड हो गया. तो इन शॉर्ट आपको मिल रहा है ये वाला जो है वो है RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है. अगर आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो तो हमेशा क्या मिलने वाला है आपको, प्राइमरी अल्कोहल. अगर कीटोन है इसकी जगह पे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है R C डबल बॉन्ड O R, इसका अगर आप रिडक्शन करते हो तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये बॉन्ड टूट जाएगा और वहाँ पे H ऐड हो रहा है. कैन यू सी दैट, एंड यू आर गोइंग टू गेट इस सेकेंडरी अल्कोहल. तो क्या मिलने वाला है वहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल. तो इट डिपेंड्स आप ओके एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हो या सॉरी एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हो या कीटोन का रिडक्शन कर रहे हो, दोनों से अल्कोहल मिलता है. एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल. बराबर है कि नहीं, लेट्स कंटिन्यू फॉर द सेम मेथड वी कैन अप्लाई ओवर हियर. जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप रिडक्शन करते हो तो ये CO ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH के अंदर. ये पूरा का पूरा यहाँ पे
COOH, okay, और ये OH चला जाता है, याद रखना, this CO converts into CH2OH, वहाँ पे हाइड्रोजनेट होता है, और आपको इसके अंदर भी प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, normally, carboxylic acids are reduced to primary alcohol in excellent yields by lithium aluminium hydride, LiAlH4 use करो, but problem ये है कि LiAlH4 जो है, वो काफी सारा expensive reagent है, therefore नॉर्मली इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर आपको अल्कोहल बनाना है इस तरीके से नहीं बनाते, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले किसी और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करो, एस्टर लेके आओ, और एस्टर का रिडक्शन करने से आपको दो अल्कोहल मिलेंगे जिसमें आपने ये जो अल्कोहल यूज़ किया होगा यू विल गेट इट बैक। लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हियर। सपोज मेरे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में से मुझे ये चाहिए, देन लेट मी यूज़ मिथाइल अल्कोहल ये इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, मैं उसका एस्टरीफिकेशन करूँगा। एस्टरीफिकेशन करने से हमें यहाँ पे सबसे पहले तो मिलने वाला है वो मिथाइल एसिटेट मिला एस्टर का, एंड जब उसका रिडक्शन करोगे तो मैंने यहाँ पे कलर कोड भी यूज़ कर रखे है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था जो ब्लू कलर का वहाँ से इतना पार्ट मिल रहा है, एंड जो रेड कलर का मिथेनॉल था यहाँ से इतना पार्ट मिल रहा है। उसके बाद जब आप उसका रिडक्शन करते हो तो रिडक्शन करने से जरा वापस देखोगे, मैं कलर कोड यूज करूंगा, ये वाला कन्वर्ट होगा CO, कन्वर्ट होगा CH2OH के अंदर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू CH3CH2OH इथेनॉल, प्लस ये जो है CH3O रेड कलर का वो मिथेनॉल आपको वापस मिलेगा। मिथेनॉल को आपने यहाँ पे रिएजेंट की तरह यूज किया था, यू आर गेटिंग इट बैक, बट हुआ क्या, आपके पास जो इथेनोइक एसिड था उससे आपको इथेनॉल मिल रहा है, एंड दिस इज कंपेरेटिवली चीपर वे ऑफ डूइंग दैट। तो ये एक तरीका है हमारे पास। तो हमने पहले देखा कार्बोनिल कंपाउंड में से रिडक्शन करके कैसे हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। अगर रिडक्शन नहीं करना तो एक दूसरा बहुत ही बढ़िया मेथड है, फिर इसको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मेथड। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, वी यूज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर के अंदर काफी अच्छी तरीके से पढ़ाई किया हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नॉर्मली होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में क्या होना है मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप हैज अ वेरी फैंटास्टिक नेचर होते हैं, जिसके ऊपर उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले जब अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। नॉर्मली ये कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन बीइंग वेरी माफ करना ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड बिकम्स पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड कार्बोनिल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा पोलार रहता है, एंड सिंस इट इज पोलार, इसके बाद जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट करता है जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप जो है वो पार्शियली नेगेटिव है, वो अटैक करता है ये कार्बन के ऊपर, और उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ चली जाने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन के साथ ये वाला अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, एंड देन MgX ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, एंड MgX एडिड प्रोडक्ट मिलता है, एंड फर्दर जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है ये वाला पार्ट निकल जाता है और आपको अल्कोहल मिलता है MgOHX। एंड डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, आपके पास तीन टाइप के रहेंगे, एक रहेगा फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा रहेगा अल्डिहाइड, कोई भी अदर अल्डिहाइड ले लो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, एंड तीसरा रहेगा कीटोन, तीनों से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड का मैं आपको थोड़ा अच्छे समझाने के लिए मैंने और एक जगह पे इसको ले रखा है, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा था आपके पास यहाँ पे जो कोई फॉर्मल्डिहाइड है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया हुआ फॉर्मल्डिहाइड को RMGX के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो होगा क्या, R गोज टू दिस कार्बन, MgX गोज टू ऑक्सीजन RCH2OMgX, एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस करने से ये निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2HMgOHX। मैं आपको समझाता हूँ, ओके, नॉर्मली फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ जब आप रिएक्शन करते हो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड से क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और उसके साथ हम क्या करने वाले, तीन अलग अलग टाइप के ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यूज़ करेंगे। पहले ले लेंगे हम CH3MgBr, दूसरा वाला हम ले रहे हैं C6H5MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे हमने ले रखा था मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड एक काम करते और एक ले लेते आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तीनों से आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है जरा देखते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, यहाँ से जो R वाला पार्ट होता है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा, MgBrO के साथ जुड़ेगा, और मैं कलर कॉम्बिनेशन को भी साथ में मेंटेन करूँगा। तो जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड का HCHO था उसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमारे पास था, ये था आपके पास HCHO, सो HCHO
इसके साथ ऊपर जुड़ा है ये वाला सी और MGBR यहां पे जुड़ा है। एंड फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करते हो आप इसको, तो ध्यान से देखना, ये CA3 वैसे क्या वैसा, यहां से CH2O एंड वाटर में से H जुड़ा, आपको मिला इथेनॉल। आपको क्या मिल रहा है? इथेनॉल। वापस में समझा तो रिएक्शन मैंने क्या किया हुआ है, CA3 goes to carbon, you can see that over here, and O के साथ जुड़ रहा है MGBR। फर्दर हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे H जुड़ गया और इसके अंदर एक कार्बन एटम बढ़ चुका है, इथेनॉल मिला, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये आपको कौन सा मिल रहा है? वो प्राइमरी अल्कोहल। जब हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तब C6H5 goes to the carbon and it becomes like this। आपके पास ओरिजिनल जो था HCHO वो वैसा है HCHO, उसके साथ यहाँ पे जुड़ेगा C6H5, O के साथ जुड़ेगा MGBR, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप होता है कार्बन ऑक्सीजन का, वो डबल बॉन्ड टूट जाता है, वहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप लगा और ऑक्सीजन के साथ MGBR बीच में ये मिला। और फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं तब यहाँ पे आपको मिलने वाला है C6H5, जो ये वाला था मैंने उसको यहाँ पे लिखा हुआ है CH2O, लेट मी राइट एज इट इज CH2O, और लास्ट में उसके साथ जुड़ा H, मतलब ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये बन रहा है फिनाइल मिथेनॉल। अगेन ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगेन ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप यहाँ पे टर्शियरी वाले के साथ करते हो तो ये वाला पूरा पार्ट कार्बन के साथ जुड़ने वाला है। लेट मी शो इट टू यू, और अल्डिहाइड में जो CH2 था वो वैसे का वैसा यहां पे O के साथ जुड़ेगा MGBR। फर्दर जब आप H2O के साथ रिएक्शन करोगे तब ये वाला पार्ट वैसे ही रहेगा, यहां पे H जुड़ जाएगा। अगेन ये प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, इसका नंबर दोगे तो 1, 2, 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, या तो आइसोब्यूटेनॉल भी बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अगेन ये प्राइमरी मिला। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल के साथ अगर आप बार बार अलग अलग रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्ट करते हो, देन फाइनल आंसर जो मिलता है वो प्राइमरी अल्कोहल ही रहेगा, और नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू रिग्नार्ड रिएक्शन, कौन सा रिग्नार्ड रिएक्शन आपने यूज किया है उसके बेस पे। अगर उसकी जगह पे मेरे पास यहाँ पे कोई दूसरा अल्डिहाइड होता RCH, देन क्या रिएक्शन होने वाला, जरा देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास अभी ग्रिग्नार्ड, हमारे पास जो अल्डिहाइड है इथेनॉल है CH3CHO, और जब हम लेट अस टेक अगेन दिस थ्री एग्जांपल्स, हम यहाँ पे लेने वाले CH3MGBR, यहाँ पे लेंगे C6H5MGBR, और यहाँ पे लेने वाले जैसे हमने पहले ले रखा। जब आप पहला रिएक्शन करोगे तो मिथाइल ग्रुप इसके साथ ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटता है, और हमें जो यहाँ पे कंपाउंड मिलने चाहिए वो ऐसे मिलने चाहिए। CH3 जब इसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ, जहाँ पे ऑलरेडी ये तो था CH3C डबल बॉन्ड OH CHO, और O के साथ जुड़ेगा MGBR। एंड जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी CH3CHO, जैसा कलर कॉम्बिनेशन जो पहले था वैसा ही यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ से क्या हो रहा है। देखो ये पार्ट ऐसा ही रहा, कैन यू सी दैट, MGBR की जगह पे H ऐड हो जाएगा, एंड जब हम H यहाँ पे ऐड करते हैं आपको मिलता है ये। अब ध्यान से देखते हो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, OH जो कार्बन से जुड़ा वो दूसरे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है,
प्रोपेंटुओल या तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला हो, विच इज सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम C6H5MgBr के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे C6H5 लगा दें, तो ये है आपके पास CA3, यहाँ पे CHO था और इसके साथ जुड़ेगा C6H5O के साथ जुड़ेगा MgBr। फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे उसका, तो देखना हाइड्रोलिसिस में होने वाला क्या है, MgBr निकल जाएगा, वहाँ पे H आने वाला है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वाला हम वैसे का वैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे का वैसे लिखने वाले हैं। तो लेट मी यूज द सेम कलर कॉम्बिनेशन, आपका C6H5 ऊपर था एंड इसके साथ यहाँ पे ये जुड़ा हुआ था O के साथ, यहाँ पे जुड़ गया H। कैन यू सी अगेन इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, OH जो कार्बन से जुड़ा और दूसरे दो से जुड़ा हुआ है, इस फिनाइल इथेनॉल। अगेन वो सेकेंडरी अल्कोहल मिला आपको। सेम थिंग अगर आप ये वाला यूज करते हो, यहां पे दिया गया CH3CH3MgBr, लेट्स डू दैट। तो होगा क्या, ये वाला कार्बन के साथ जुड़ेगा, मैं ऊपर से उसको ज्वाइन कर रहा हूं, यहां पे ये वाला जो पार्ट है CH3CH3 वो जुड़ेगा आपका ओरिजिनल अल्कोहल के साथ, माफ करना ओरिजिनल एल्डिहाइड के साथ, और ओ के साथ जुड़ने वाला है MgBr, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो होने वाला है यहां पे एक H ऐड हो जाएगा। तो वही करने वाले हैं हम, बाकी सब वैसे ही रहने वाला है, तो बाकी सब सिंस ऐसे ही रहने वाला, तो उसको मैं ऐसे ही लिखूंगा CH3CH CH3। यहां पे मेरा रेड कलर से ये था और यहां पे जुड़ा H। अगर आप देखते हो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ध्यान से देखो 1 2 3 4, ओके OH जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे दो कार्बन से जुड़ा, सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा। आप कोई भी दूसरा अल्डिहाइड ले लीजिए, इसका बाय द वे नाम आता है 2-3-methyl-butanediol। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हो तो फॉर्मल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिला आपको, यहाँ पे यू कैन सी दैट। बट अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी दूसरा अल्डिहाइड ले लेते तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। एंड अगर आप कीटोन लेते हो, लेट मी शो इट टू यू, कीटोन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एसीटोन है, उसके साथ हम वापस तीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, पहला ले रहे C3MgBr, दूसरा ले रहे C6H5MgBr एंड तीसरा जैसे हम आगे वाले दो केस में लेके बैठे हुए। तो देखो होने वाला क्या है, जो अल्काइल ग्रुप है इन तीनों का वो कार्बन पे अटैक करेगा एंड MgBr गोज टू ऑक्सीजन। तो लेट्स डू दैट, वन बाय वन कर दे। तो पहले वाले के लिए करेंगे तो पहले मैं जरा इसको थोड़ा इस तरीके से लिख दूंगा, ये जो था CH3CH3O को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है एंड दिस CH3 ऊपर से अटैक कर रहा है। तो सिंस दिस CH3 यहाँ पे आया एंड O के साथ जुड़ा MgBr, फर्दर जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो MgBr निकल जाएगा, वहां पे आ जाएगा O। तो आपको समझ में आया, इसलिए कलर कॉम्बिनेशन में सेम रख रहा हूँ वापस, तो कौन सा पार्ट अल्डिहाइड में से है, कौन सा पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से है, एंड हाइड्रोलिसिस करने के बाद H कहाँ से आया वो आपको क्लियरली दिखेगा। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि OH जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे तीन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इट हैज बिकम टर्शियरी अल्कोहल और इसका नाम है 2-methyl प्रोपेन ट्यूअर, 2-methyl प्रोपेन ट्यूअर। उसी तरीके से जब
आप इसको रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे CCH5 कम्स ओवर हियर एंड बाद में ये इसका OH हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट अगर आप देखते हो तो इसका फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से मिलने वाला है। मैं फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस के साथ ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे CA3C नीचे बनेगा OH और ऊपर जुड़ने वाला है C6H5। आपको मिलेगा यहाँ पे 2-phenyl propentyol। अगेन ये टर्शियरी अल्कोहल है, कीटोन के साथ हमें से टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। सेम थिंग मैं फाइनल प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ, ये वाला पार्ट कार्बन से जुड़ेगा और MgBr यहाँ पे जुड़ने के बाद ये बन जाएगा OH। सो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो मिलने वाला है, इट विल बी लाइक दिस CA3CO CH3 और ऊपर ये वाला ग्रुप जुड़ने वाला है। और यहाँ पे H जुड़ा, अगेन ये टर्शियरी अल्कोहल है। व्हाई टर्शियरी अल्कोहल? बिकॉज OH जो कार्बन से वो दूसरे तीन से है। अगर उसका IUPAC नेम देना है तो IUPAC नेम इस तरीके से हम देंगे, यहाँ से नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, 2-phenyl है, 3-phenyl है, 2,3-dimethyl। तो ये हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन में से जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं तो किस तरीके से आपको अल्कोहल मिलता है मैंने बताया। ओके, अगर हमारे पास जैसे कि मैंने आपको पहले बताया फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, कोई दूसरा एल्डिहाइड है सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है एंड कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल मिलते हैं। मैंने फ्यू रिएक्शंस भी किए, आपको ऐसे दूसरे रिएक्शंस खूब बनाने चाहिए। ओके, मैं एडवाइस देता हूँ 50 से 100 बनाओ एंड उसका IUPAC नेम लिखो ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी इजी हो जाएगी। आपको ये खुद लिखना भी है, वीडियो को पोस्ट करना एंड बाकी का जो हम करने वाले नेक्स्ट टाइम। टिल द टाइम ऑल द बेस्ट।